आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ये चैप्टर इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो PT 3 एग्जाम में जो जनवरी में होने वाला है उसमें क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हम वही चीज़ें पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट। इसमें जो भी लिखा हुआ है, जितने भी डेफिनेशन वगैरह लिखा है, आप उसे लर्न कर लीजिए इन छुट्टियों में। ये 100% इनमें से आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा। सबसे पहले एटम्स के बारे में लिखा हुआ है। एटम्स क्या होता है? एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एलिमेंट के, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है, वो बहुत छोटे 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 चीज़ों से बनी होगी। तो उसमें जो सबसे छोटी चीज़ होगी वो एटम होगी। वो सबसे छोटी चीज़ उसमें क्या होगी? एटम होगी। अब उसमें एटम के साइज के बारे में, अब सेकंड पॉइंट है एटम के साइज के बारे में। एटम का साइज कितना होता है? एटम का साइज कितना होता है? ये फॉर एग्जांपल ये एटम है और ये उसका रेडियस है। उसका रेडियस का साइज होता है 10^-9 मीटर। मतलब उसका साइज इतना छोटा होता है हम उसे अपने आंखों से देख भी नहीं सकते। 10^-9 मीटर मतलब कि 1/10^9 कर दीजिए, इतना मीटर होता है उसके रेडियस का साइन, उसका रेडियस की वैल्यू इतनी होती है। अब इसके आगे कुछ सिंबल्स एटम्स के बारे में लिखे हैं। हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक लिखे हैं, 1 से लेके 20 तक लिखे हैं। आपको इसके सिंबल और इनका एटॉमिक नंबर और प्लस में मास नंबर भी याद होना चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए? इसका मास, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से लेके कैल्शियम तक के आपको एटॉमिक नंबर, सिंबल और मास नंबर याद होने चाहिए। मास नंबर यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं जल्दी जल्दी आप लोग को मास नंबर बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग को मास नंबर याद नहीं होगा तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मास, मास नंबर, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का मास 4 होता है, हाइड्रोजन का मैं एरो खींच के लिख देता हूँ। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 12 होता है, सॉरी बोरोन का 10 होता है, बोरोन का 10 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का, पहले नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है। अब मैं रेस कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। फ्लोरीन का 19 होता है, नियॉन का 20 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है एंड सिलिकॉन तक हमारा हो गया है। फॉस्फोरस का हमारा कितना होता है? 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, आर्गन का 40 होता है। ये 18 तक ही इम्पोर्टेंट है, इसके ज़्यादा इसके आगे आ नहीं सकता है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा कि आप लर्न कर लीजिएगा, इनसे मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछ सकते हैं। आप सिंबल और मास, ये दो चीज़ आपको इस चैप्टर में आने ही चाहिए। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने एटम बता दिया, एटम छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, छोटे छोटा चीज़ होते हैं। कोई भी चीज़ बनी है उसके छोटे छोटे चीज़ों से बनी है, तो वो जो छोटी चीज़ होती है वो एटम होती है। वो क्या होते हैं? वो एटम होते हैं। तो उसी के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं?
उसी के ग्रुप को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब एटमिसिटी क्या होती है? एटमिसिटी आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी चीज़ दे देंगे, जैसे कि आपने अगर ये सब लर्न कर लिया इनका सिंबल, तो अगर आपको दे देंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। फॉर एग्जांपल पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है। अब कोई भी पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है। एक ही चीज है पोटेशियम, हाँ एक ही चीज है। अगर एक चीज होगी तो वो होगा मोनो, मोनो। दो चीज होगी, जैसे के टू लिख दिया, के टू लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे टू लिखा है, मतलब ये जो चीज है वो दो है। तो दो चीज होगी तो क्या होगा? डाई, डाई एटॉमिक यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपके एग्जाम्पल के लिए। तीन चीज होगी तो ट्राई, टी आर आई, ट्राई एटॉमिक, जैसे कि के थ्री हो गया। तीन चीज होगी ट्राई एटॉमिक। फोर चीज होगी टेट्रा एटॉमिक, जैसे कि के फोर हो गया फॉर एग्जाम्पल। और अगर चार या चार से ज्यादा हो गया, चार या चार से ज्यादा हो गया, जैसे कि मानते हैं S8, S8, S किसका सिंबल है? S सल्फर का सिंबल है। आठ लिखा है मतलब आठ है। चार या चार से ज्यादा है, ये चार से ज्यादा है ना, एट लिखा हुआ है, तो क्या होगा? पॉली एटॉमिक। चार से ज्यादा होगी, चार या चार से ज्यादा होगी, पॉली, पॉली एटॉमिक। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पूछे जाएंगे, C हो गया, C2H6 हो गया। C किसका सिंबल होता है? कार्बन का। अगर आपको सिंबल याद होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन का सिंबल। H किसका सिंबल होता है? हाइड्रोजन का। C कार्बन का, H हाइड्रोजन का। C कितने हैं? दो है। C कितने हैं? दो। कार्बन का मैंने आप, कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? दो है। C हमारे कितने हैं? टू है। हाइड्रोजन, H किसका सिंबल होता है? हाइड्रोजन का। एच कितने हमारे? सिक्स है। सिक्स प्लस एट कितने होते हैं? सिक्स प्लस टू, सॉरी एट होते हैं। तो एट चार या चार से ज्यादा है, चार या चार से ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा? किस में आएगा ये? पॉली एटॉमिक में। किस में आएगा? पॉली एटॉमिक में। मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये क्या है। पॉली है, टेट्रा है, ट्राई है, मोनो है या डाई है? C2H8, C2H4, H2O, H2, Cl2 एंड ये सी और एल है। सी एल किसका सिंबल होता है? क्लोरीन का होता है। और SO4 टू नेगेटिव, ये ऊपर का साइन है, वैलेंसी उसकी लिखी हुई है, टू नेगेटिव। ये सब आपको कमेंट में आंसर बताने हैं। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये होता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो चीजें हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो चीजें हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो चीजें, पहली चीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरी है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये है कि दो चीजें, जैसे हाइड्रोजन हो गया और लेट सपोज ऑक्सीजन, ये रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो एच ओ मान लेते हैं, एच टू समझ लीजिए, और एच टू बन गया। तो इनका मास और इनका मास सेम होगा। कैसे सेम होगा? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? मैंने बताया था वन होता है, लेकिन टू लिखा हुआ है, तो वन इंटू टू कितना हो जाएगा? टू।
ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 + 16 कितना होता है 18 होता है, यहाँ पे 18 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, 18। इसका मतलब यही होता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट मतलब इस तरफ H2+O, H2O इस तरफ वाला रिएक्टेंट और इस तरफ वाला प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो हर जगह सेम ही रहेगी। मतलब जैसे कि हमने दो एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर ये वेल का पानी है और ये सी का पानी है, तो वेल का पानी तो मीठा लगता है और ये सी का पानी हमें थोड़ा सॉल्टी लगता है, लेकिन पानी का सिंबल H2O होता है, पानी का सिंबल H2O होता है। तो इधर भी हाइड्रोजन कितना होगा 2 होगा, इधर कितना ऑक्सीजन कितना होगा 6, इधर भी 2 होगा ऑक्सीजन कितना होगा 6। बेशक उनका टेस्ट अलग है, बेशक उनका टेस्ट दोनों तरफ अलग है, लेकिन दोनों का मास सेम होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि उनका जो रेशियो होता है, रेशियो मतलब उनमें कितना हाइड्रोजन है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, मतलब 2 हो गया और 16, कि रेशियो जो होता है कट जाएगा 1:8 आ जाएगा, वो हमेशा सेम होगा चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। इसका मतलब ये होता है। इन एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप वाटर का एग्जाम्पल लग दीजिएगा, यह हमेशा वो सेम होता है। अब तीसरी चीज आती है हमारे कंपाउंड फॉर्मेशन। ये इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। कंपाउंड फॉर्मेशन 2 टाइप में आ सकते हैं। एक तो आपको फॉर एग्जाम्पल दो चीज दे दी हो, जैसे कि दो चीज दे दी है, Na दे दी हो, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव चीज आगे रखते हैं, नेगेटिव चीज बाद में रखते हैं। इनको आपको कंपाउंड में बनाना है, तो आप क्या करेंगे, Na का पॉजिटिव है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 नीचे लिख लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, NaCl आ जाएगा, ये प्लस साइन हट जाएगा जब आप करेंगे और ये माइनस साइन हट जाएगा। अब कोई और चीज से करके देखते हैं। अब हम लोग कॉपर सल्फेट से करते हैं। कॉपर का सिंबल Cu होता है, अगर ऐसे एग्जाम में दे दिया Cu 2 पॉजिटिव और सल्फेट का दे दिया SO4 2 नेगेटिव, इसके ऊपर क्या लिखा है 2, इसके ऊपर क्या लिखा है 2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो Cu2 आ जाएगा, ये SO4 2 आया है। SO4 पूरा ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्योंकि नीचे पहले से ही 4 लिखा हुआ है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और ऊपर का दोनों की चीज हट जाती है जब हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, तो दोनों का ऊपर का हट गया, Cu2 ब्रैकेट में SO4 2, दोनों में 2 सेम है तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो CuSO4 आ जाएगा हमारा आंसर। एक और एग्जांपल लेके करते हैं सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दिया, मैग्नीशियम का Mg2 पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव ऊपर पहले लिखते हैं, और दे दिया हमें फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। Mg के नीचे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा Mg, ये 2 हट जाएगा ऊपर से, 3 आ गया, PO4 ऊपर का 3 हट गया, ये 2 इस तरफ आ गया, ये हमारा कंपाउंड बनेगा। ब्रैकेट में हमने क्यों किया, क्योंकि जब भी अगर नीचे कोई भी चीज अगर लिखी हो, जैसे इसमें लिखी हो है, तो हम ब्रैकेट में करके 2 को ऐसे कर देंगे, वरना वो गलत हमारा आंसर आ जाएगा। ये Mg3 नीचे लिखा है, ये हमारा हो गया। अगर ऐसे एग्जाम में दिया हो तो आप लोग तुरंत कर लेंगे,
अगर ऐसे करके एग्जाम में दिया होगा, जैसे जैसे अभी मैंने बताया, अगर ऐसे करके एग्जाम में दिया होगा Mg2 पॉजिटिव, PO4 3 नेगेटिव, तो आप 2 को नीचे लिख लेंगे, 3 को नीचे लिख लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में, और ऊपर की जो चीज़ें हैं वो आप हटा देंगे, ऐसे आप लोग एग्जाम में तुरंत कर देंगे। अगर नाम से दे दिया, जैसे कि दे दिया मैग्नीशियम नाइट्राइड, ऐसे दे दिया एग्जाम में, मैग्नीशियम सियम नाइट्राइड, नाइट्राइड, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सिंबल दे देते तो आप कंपाउंड बना लोगे, लेकिन इसमें आप मैग्नीशियम और नाइट्राइड का नहीं बना पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 37 पे एक टेबल बना होगा, सबका नाम लिखा होगा, उनको आपको लर्न करना होगा, उसमें अगर आप लर्न कर लो तो आप तुरंत बना लोगे। उसमें अगर देखें, आपने अगर लर्न किया होगा तो आपको पता होगा मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg2 पॉजिटिव, नाइट्राइड का क्या सिंबल होता है, N3 नेगेटिव, 3 ऊपर है। अब ये देखिए Mg के नीचे 2 आ जाएगा और N के नीचे 3 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, Mg3 नीचे आ जाएगा, N2 आ जाएगा, ये बनेगा। इसलिए अगर नाम से दे दिया आपको एग्जाम में तो आपको पूरा लर्न करना होगा, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए आप पेज नंबर 37 पे जाके लर्न कर सकते हैं। अब इसके बाद है, मैंने बताया था आपको मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O है, इसका मास निकालने के लिए कह देंगे, मास तो आप क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कितना होता है, 1 होता है, लेकिन इधर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो इंटू 2 कर देंगे, ऑक्सीजन इधर 2 इंटू नहीं करेंगे, इधर प्लस का साइन लगाएंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 2 प्लस 16 कितना होता है, 18 होता है, और मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का सिंबल क्या होता है, यू, 18 यू आप लिख के आ जाएंगे, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अब CO2 कर देते हैं, कार्बन का मास क्या होता है, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास मैंने बताया था आपको कितना होता है, 16, लेकिन क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो इंटू 2 कर देंगे, 2 प्लस 16 इंटू 2 कितना होता है, 32, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा मास, 44 यू, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है आएंगे ही, ये जरूर आएगा, अगर आपके ये क्वेश्चन 2-3 नंबर में नहीं आएगा तो ये वाला मास वाला क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, 100% आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी वही सेम लिखा है, NaCl जो मैंने बताया, अब देखिए NaCl है, सोडियम का सिंबल, सोडियम का मास कितना होता है, 23, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था, और क्लोरीन का मास कितना होता है, मैंने बताया था, मैंने शायद बताया था 35.5 होता है क्लोरीन का, तो 23 और 35 को आप ऐड करें तो 58.5 यू होगा, यही फॉर्मूला यूनिट मास है, और यही आपका मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला है। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस, और एक और चीज है आपके बुक में है पेज नंबर 32 पे, 6 पॉइंट लिखे होंगे, ऑल द मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स लेके कंपाउंड तक, तो वो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, क्या है वो, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आ सकता है 100%। अब वो आप लर्न कर लीजिए, आपका आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, द एटॉमिक सिंबल ऑफ गोल्ड इज, गोल्ड का एटॉमिक सिंबल क्या होता है, AU होता है, गोल्ड का एटॉमिक सिंबल AU इसलिए होता है क्योंकि गोल्ड एक लैटिन लैंग्वेज से आया है जहाँ पे गोल्ड को अर्म कहते थे, क्या कहते थे, अर्म, तो AU अरम का पहला 2 अक्षर AU इन लोगों ने ले लिया है, इसलिए इसका सिंबल AU है। मरकरी का क्या सिंबल होता है, मरकरी का HG होता है, ये भी
लैटिन वर्ड सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट एटम इन इनकरेक्ट पेयर ऑफ एटम। देखिए सल्फर का सिंबल क्या होता है, सिंबल अगर आप लर्न कर लें तो आप ये एमसीक्यू का जवाब दे देंगे। सल्फर का सिंबल क्या होता है, एस होता है। पोटेशियम का सिंबल के होता है, पी नहीं होता है। फास्फोरस का पी होता है। तो ये सही है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि पोटेशियम का के होता है। सोडियम का सिंबल एस नहीं होता है, सोडियम का सिंबल एस नहीं होता है, सोडियम का सिंबल एन ए होता है। तो कौन से दो गलत निकले, एक हमारा बी गलत निकला और एक हमारा सी गलत निकला। तो हमारा बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट होगा। अगर आप लोग सिंबल लर्न कर लेंगे तो आप ऐसे एमसीक्यू दे सकते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो आप मास और पेज नंबर जो 35.7 पे दिया वो लर्न कर लेंगे। द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का सिंबल होता है NH+4 और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO2-4। प्लस लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो NH के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 2 लिखा हुआ है तो SO के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। NH को इससे मल्टीप्लाई करो, SO को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारा NH4 ब्रैकेट में 2 और SO4। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaSCO3। सोडियम का सिंबल Na होता है, Na+1 नीचे आ गया। और बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO-3, 1 लिखा है, NaSCO3। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए बॉक्स कंटेन सम आइडेंटिकल रेड कलर बॉल लेबल्ड एज ए ईच वेटिंग 2 ग्राम अंडर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका आंसर होगा अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है। अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू हमारा ये बी होता है, 6.022 × 10³। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स इज डाइवेलेंट एंड अदर एलिमेंट इज टेट्रावेलेंट, द कंपाउंड फॉर्म इज। देखिए मैंने आपका बताया था डाइवेलेंट मतलब जिसको जो 2 लिखा हो तो 2 लिख दिया, और टेट्रावेलेंट मतलब जो 4 लिखा हो 4। ये दोनों कट जाएंगे तो एक्स और 2 कट गया तो हमारा आ जाए, देखिए वाई 2, ये देखिए सॉरी, एक एलिमेंट है एक्स जिसका जो डाइवेलेंट है मतलब 2 उसके नीचे लिखा होगा, और एक एलिमेंट है वाई जो टेट्रावेलेंट है मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, 4 उसके नीचे लिखा होगा। अब आपको कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो आपका आंसर देखिए 2 से देखिए 2 और 4 कट जाएगा तो एक्स वाई 2 आ जाएगा। तो इसका करेंट आंसर होगा XY2। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया हुआ है वो गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 15 तक है वो आपको सॉल्व करने वाले होंगे। देखिए मैंने मॉलिक्यूलर मास आपको बताया था और फॉर्मूला वाला भी बताया था, ये दोनों क्वेश्चन है 14 और 15 के, आपको कमेंट में आंसर करना है, बिन देखे आपको ये सॉल्व करना है। थैंक यू।